नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद निकुंज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 25 जून और 25 जून को लेकर जितने भी करंट क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, हाल ही में कर्नाटक बैंक ने KBL माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की गई है। तो देखिए, कर्नाटक बैंक के द्वारा शुरू की गई है तो कर्नाटक बैंक चर्चा में आ जाता है। कर्नाटक बैंक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कर्नाटक बैंक एक निजी क्षेत्र बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के अनुसार ये ए श्रेणी का एक अनुसूचित व्यापारिक बैंक है। ध्यान रखिए, इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 1924 को। कब हुई? 1924 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मंगलोर कर्नाटका में है। और वर्तमान में इसके जो CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उनका नाम है मित्रों महाबलेश्वरम MS, उनका पूरा नाम है, जो इसके CEO है यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगला फैक्ट देखते हैं मित्रों। देखिएगा, हाल ही में चीन देश ने बेयूड्यू नामक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये जो नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किसने किया अभी हाल ही में? चाइना के द्वारा किया गया है। देखिए, चाइना आ जाता है चर्चा में तो चाइना की राजधानी है मित्रों बीजिंग, और चाइना में जो मुद्रा चलती है उसका नाम रेनमिनबी या युआन है, और चाइना की संसद को पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और अमेरिका की जो संसद होती है उसको कांग्रेस नाम से जाना जाता है। चाइना की संसद को किस नाम से जाना जाता है? पीपुल्स कांग्रेस, लेकिन अमेरिका की संसद को कांग्रेस नाम से जाना जाता है। देखिए, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो भी है चाइना। और अगर बात करते हैं चाइना के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है तो शी जिनपिंग है, ध्यान रखिए। और 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक गेम होंगे वो भी बीजिंग चाइना में होंगे। भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित कर रखी है वो मैकमोन रेखा है, ठीक है। और जो यहाँ का सबसे बड़ा नगर है उसका नाम संघाई है, और जो कोरोना महामारी फैली है उसकी शुरुआत भी वुहान शहर चाइना से हुई है। और एशियन गेम्स 2022 में होंगे वो भी कहाँ पर होंगे? चाइना में होंगे। और चाइना की जो राजभाषा है उसका नाम मानक चीनी है। राजधानी मैंने बताई दी आपको, इसकी जो राजधानी चाइना की वो बीजिंग है। मुद्रा यहाँ पर रेनमिन भी है, युआन चलती है, ठीक है। और इसके अलावा एशिया महाद्वीप में आता ही है ये। अगला फैक्ट देखते हैं मित्रों। देखिएगा, हाल ही में नेपोली फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इतावली यानी इटली कप खिताब जीता है। वो किसने जीता है अभी हाल ही में? नेपोली फुटबॉल क्लब ने जीता है। अब ये इतावली मतलब इटली, ठीक है, इसका बारे में जान लेते हैं। इटली के बारे में, इटली एक यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी होती है मित्रों, जो इटली है इसकी राजधानी होती है मित्रों रोम। क्या होती है? रोम। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है यूरो, और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम है सर्जियो मटरेला, और यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम है जीएसेपे कॉन्टे, ठीक है मित्रों। अगला फैक्ट देखते हैं। देखिएगा, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरू की है। तो इंदिरा रसोई योजना किसने शुरू की है अभी हाल ही में? राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। देखिए, इसमें होगा क्या, सुबह शाम कम रेट में खाना मिलेगा, इसमें सभी व्यक्तियों को खाना मिल जाए, इस वजह से इसको शुरू की गई है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है मित्रों। देखिए, राजस्थान सरकार आ जाती है तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान का गठन हुआ था मित्रों 1 नवंबर 1956 को, इसलिए प्रतिवर्ष इस जो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। लेकिन आपसे पूछा जाए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो 30 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। और राजस्थान की जो राजधानी वो जयपुर आपको सबको मालूम होगा, और वर्तमान इसके जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यपाल है गवर्नर उनका नाम कलराज मिश्र है। वर्तमान यहाँ से लोकसभा की सीटें जाती है 25, राज्यसभा की सीटें जाती है 10, और विधानसभा की सीटें जाती है 200। तो देखिए, यहाँ से लोकसभा की सीटें कितनी जाती है? 25। और ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे भी 25 जाती है? तो वह है आंध्र प्रदेश। और यहाँ से राज्यसभा की सीटें कितनी जाती है? 10। और ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे 10 जाती है? उसका नाम है ओडिशा। देखिए, अगला फैक्ट देखते हैं। राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प, इसके बारे में चारों के बारे में आपको कमेंट्स करके बताना। राजस्थान की जो राजभाषा है वो हिंदी है मित्रों। देखिए, यहाँ का जो वाहन अक्षर होता है वो RJ होता है। वाहनों की नंबर प्लेट होती है, उसके आगे पीछे क्या लिखा रहता है? RJ लिखा रहता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो यही है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239
0.74 वर्ग किलोमीटर है मित्रों, 74 वर्ग किलोमीटर है ना। और देखिए अगर बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम इंद्रजीत मोहाती है, जो कि 37वें नंबर के, 37वां नंबर है उनका। और अभी बाकी और सारे फैक्ट मैंने आपको बता ही दिए, अब आपको बताना है वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। और वर्तमान में राजस्थान गृह मंत्री कौन है, ये दो बात कमेंट्स करके बतानी है आपको राजस्थान के बारे में, ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं मित्रों, देखिएगा हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने ध्रुव नामक एक इंडियन रिसीवर चिप विकसित की गई है, तो ये ध्रुव नामक किसने विकसित की है, आईआईटी बॉम्बे ने की है मित्रों, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अगला फैक्ट आता है, हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने सामानों पर उत्पत्ति देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए जीईएम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अभी हालों में इसकी शुरुआत की गई है, इसको शुरू कर दिया है, इसको अनिवार्य रूप से कर दिया है, इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA को 10 मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की गई है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा एक तो फिलिस्तीन देश और एक आ रहा होगा UNRWA, तो UNRW है क्या, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए इसका पूरा नाम होता है मित्रों, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। इसका गठन हुआ था 8 दिसंबर 1949 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अम्मान जॉर्डन में है। और इसके जो वर्तमान में आयुक्त जनरल उनका नाम है क्रिश्चियन सैंडर्स। और इसका उद्देश्य क्या है मित्रों UNRWA का, इसका उद्देश्य है फिलिस्तीन जो शरणार्थी है उनके लिए प्रत्यक्ष राहत और कार्यक्रम प्रदान करे, इससे संबंधित ये कार्य करती है, ठीक है। अब फिलिस्तीन आया है, फिलिस्तीन देश बहुत ज़्यादा विवादित रहता है ये, इसकी राजधानी को लेकर, इसकी मुद्रा को लेकर, फिर भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए फिलिस्तीन की राजधानी मित्रों यरूशलेम या जेरूशलेम भी आपको मिल जाएगा कई जगह पे। इसका जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम गाजा सिटी है। इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो अरबी है। राष्ट्रपति है इसके वर्तमान में महमूद अब्बास और प्रधानमंत्री मोहम्मद सतेह। देखिए यहाँ का मुद्रा का नाम फिक्स नहीं है, जैसे मान लो मिस्र की तरफ से जो इसकी सीमा लगती है वो तो अपनी मुद्रा मानते हैं इजिप्ट यानी कि मिस्र पाउंड मानते हैं, और जो इसराइल से जो सीमा लगने वाला क्षेत्र है उधर मानते हैं न्यू शेकेल, और जॉर्डन से जो सीमा लगती है उधर मानते हैं अपनी मुद्रा दिनार। तो ऐसी फिक्स नहीं है, इसलिए विवादित चलता रहता है सारा मामला। देखिए हाल ही में वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में हेड कोच किसको नियुक्त किया गया, वसीम जाफर को। इन्होंने थोड़े दिन पहले संन्यास की घोषणा की थी। देखिए वसीम जाफर को रणजी क्रिकेट का सचिन भी कहा जाता है, जो सचिन तेंदुलकर किसको कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए रणजी का सचिन किसको कहा जाता है तो वसीम जाफर को कहा जाता है। अब उत्तराखंड आ जाता है, तो उत्तराखंड का जो वाहन अक्षर होता है मित्रों वो यूके होता है। क्या होता है, यूके होता है, इसलिए कई बार मैं उत्तराखंड का जो आपको लिखता हूँ यूके लिख देता हूँ। देखिए उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, उत्तर प्रदेश से यह पृथक होकर बना था, इसलिए प्रतिवर्ष इसका स्थापना दिवस जो मनाया जाता है उत्तराखंड का वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को। यह अपनी सीमा लगाता है नेपाल चाइना हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ। इसकी जो राजधानी है उत्तराखंड की वो देहरादून है। लेकिन ग्रीष्मकालीन अगर राजधानी की बात करें तो अभी थोड़े दिन पहले आया था चर्चा में गैरसैंण को बना दी गई है, जो कि चमोली जिले में स्थित है। देखिए यहाँ के उत्तराखंड के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर उनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जो कि भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। और वर्तमान यहाँ के राज्यपाल उनका नाम बेबी रानी मौर्य है। और वर्तमान लोकसभा की सीटें यहाँ से 5 जाती है और राज्यसभा की सीटें जाती है मित्रों 3, और यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 71। देखिए बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है, जिसका प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, जो कि भारत का सबसे पहला या सबसे पुराना नेशनल पार्क है। देखिए यहाँ पर फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर कुछ दर्रे हैं जैसे माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा, ये सब कहाँ पर मिलेंगे आपको, उत्तराखंड में मिलेंगे। देखिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है रमेश रंगनाथन जी। देखिए अगला फैक्ट देखते हैं मित्रों, अगला देखते हैं, हाल ही में नेस्ले इंडिया के जो सीएमडी है
वो सुरेश नारायण जी, उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, सुरेश नारायण जी का बढ़ाया गया 5 वर्षों के लिए, 2015 में नियुक्त हुए थे, उसके बाद में भी 2020 तक इनका कार्यकाल चल रहा था, अब 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। देखिए, जो मैगी प्रोडक्ट आता है वो इसी का ही, ध्यान रखिए। अगला फैक्ट है मित्रों, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गई है। देखिए, जो कोविड-19 के दौरान जो बिजली विभाग के जो कर्मचारी है वो कार्य कर रहे हैं, अगर उनकी किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है तो उनको जो अनुदान देंगे, जो सहायता रूप में दी जाएगी, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 30 लाख रुपये उनको दिया जाएगा। महाराष्ट्र चर्चा में आ जाता है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और जो अपनी सीमा लगाता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ अपनी सीमा लगाता है। महाराष्ट्र के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री, उनका नाम है उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ से लोकसभा की सीटें जाती है 48 और विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं 288 और राज्यसभा की सीटें जाती है 19 यहाँ से। देखिए, इसका जो हाईकोर्ट लगता है महाराष्ट्र का, वो लगता है बॉम्बे हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है और जिसके वर्तमान में चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता, ठीक है। और इसका जो वाहन अक्सर होता है मित्रों, वो MH होता है। क्या होता है? महाराष्ट्र का MH होता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला फैक्ट देख लेते हैं मित्रों, अगला क्या है देखते हैं, एक मिनट देखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अब उत्तर प्रदेश चर्चा में आ जाता है तो उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं, स्टैटिक पॉइंट्स जानते हैं इसके बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश, हालांकि मैंने कई बार बता दिया उत्तर प्रदेश, चलो एक काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग बताइएगा आज, आपको कितनी नॉलेज है उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के CM कौन है, गवर्नर कौन है, या और अपनी सीमा किस किस से लगाता है, और जो भी आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी वो सारी आप कमेंट्स करके बताइएगा। हालांकि मैंने कल परसों का जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया हुआ है, तो देखता हूं देखने आप कितना बताते हो। अगला फैक्ट देखते हैं डायरेक्टली, देखिएगा। हाल ही में कोविड अस्पतालों के लिए PM कैरियर्स फंड जो है, इसने 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कितने किए मित्रों? 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये देखिए, PM कैरियर्स है क्या ये मित्रों? एक अभी कोविड-19 के तहत दौरान इसको एक फंड बनाया गया था, सहायता कोष है एक प्रकार का ये, ठीक है, इसमें सभी लोगों ने मदद की थी। अगला फैक्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व बंधु गुप्ता का निधन हो गया, ये कौन थे? देखिए, विश्व बंधु गुप्ता एक पत्रकार थे, साथ ही में राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं 1984 से 1990, ठीक है, तब तक ये सांसद भी रहे हुए हैं और एक पत्रकार भी थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, प्रसिद्ध पत्रकार थे, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला कौन है? हाल ही में पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो पूर्णिमा जनेन, ध्यान दीजिए, ये एक भारतीय निशानेबाज है, इनका निधन हो गया है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। तो देखिए, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम मंत्री है, उनके द्वारा और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का, ठीक है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री EK पलानी स्वामी, यानी एडापड्डी के पलानी स्वामी, इन्होंने मिलकर किया है। तो अब तमिलनाडु चर्चा में आ जाता है तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं, स्टैटिक पॉइंट्स। देखिए, तमिलनाडु, तमिलनाडु की मित्रों जो राजधानी है वो क्या है? चेन्नई है। और तमिलनाडु जो अपनी सीमा लगाता है वो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के साथ सीमा लगाता है। और वर्तमान में आपको मुख्यमंत्री तो बता ही दिया, EK पलानी स्वामी है, एडापड्डी के पलानी स्वामी है। इसके जो राज्यपाल वर्तमान में बनवारीलाल पुरोहित है, वर्तमान में ये इसकी लोकसभा सीटें 39 हैं। कितनी है मित्रों? 39, 39 है। और ये अपनी जो राज्यसभा की सीटें जाती हैं यहाँ से 18 जाती है, विधानसभा की 235 है। और इसका जो हाईकोर्ट है वो मद्रास हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। और उसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है मद्रास हाईकोर्ट के, उनका नाम है अमरेश्वर प्रताप साई। क्या नाम है? अमरेश्वर प्रताप साई है। और इसका जो वाहन अक्सर होता है वो क्या होता है? TN होता है मित्रों। अगला फैक्ट देखते हैं, देखिएगा मित्रों, हाल ही में मूडीज जो एक रेटिंग जारी करती है उसके द्वारा 2021 में भारत की GDP
3.1% की दर से घटने का अनुमान लगाया किसने? मूडीज के द्वारा लगाया गया है। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन, इसका कितना प्रतिशत लगाया? 3.1% की दर से घटने का अनुमान लगाया है किसने? मूडीज ने। अब सबसे पहले जान लेते हैं मूडीज के बारे में। मूडीज की स्थापना हुई थी 1909 में। कब हुई मित्रों? 1909 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसके जो संस्थापक है उनका नाम है जॉन मूडी। क्या नाम है? जॉन मूडी है। अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। हाल ही में इंडोनेशिया देश में स्थित एक पर्वत है, मेरापी पर्वत, उस पर एक ज्वालामुखी फटी है। तो कौन से पर्वत पर फटी है? मेरापी पर्वत पर फटी है। तो इसका आपको याद रखना है कौन से देश में? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं मित्रों। देखिए, इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है, दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी कौन सा है? इंडोनेशिया ही है। इसकी जो राजधानी है वो जकार्ता है, लेकिन उसको इसने चेंज कर दिए, मतलब स्थानांतरित कर दिए, और वो जो बोर्नियो द्वीप में पूर्वी कालीमंतिल द्वीप है उस पर इसको ट्रांसफर कर दिए, इसकी राजधानी को इसने, ठीक है। इसकी घोषणा की थी थोड़े दिन पहले। और इसकी जो यहाँ पर मुद्रा चलती है वो रुपया चलती है। कौन सी चलती है? इंडोनेशियन रुपया। और यहाँ के वर्तमान में जो राष्ट्रपति उनका नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है? जोको विडोडो। और जो आसियान का हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? जकार्ता। और जकार्ता है कहाँ पर? इंडोनेशिया में। देखिए मित्रों, अगला फैक्ट आता है, हाल ही में अमेरिका देश ने H-1B को निलंबित कर दिया। देखिए, वीजा होता है इसको, अभी हाल ही में अमेरिका ने 31 दिसंबर 2020 तक निलंबित कर दिया है इसको। अब आ जाता है अमेरिका देश चर्चा में, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, और वॉशिंगटन DC में ही IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, और इसका एक सबसे बड़ा शहर है उसका नाम न्यूयॉर्क है। क्या मित्रों? न्यूयॉर्क है। और देखिए, जो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, और यहाँ के वर्तमान में उपराष्ट्रपति का नाम माइक पेंस है। और देखो, मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस नाम से जाना जाता है, लेकिन चाइना की संसद को किस नाम से जाना जाता है? पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। देखिए, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है आपको ये कमेंट्स करके बताना है, और साथ ही में जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको कमेंट्स करके बताना है। देखिए, बात करते हैं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो वो भी कौन सा है? अमेरिका। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है मित्रों वो USA डॉलर चलती है, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन डॉलर चलती है। ये थे